विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। अभी पीछे में ये बात कर रहा था कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर हम मूव करते हैं। तो देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये बात सही है। अगर आप इधर से इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड पे हैं ये मेटल हैं, और जैसे जैसे हम जो है राइट साइड पे बढ़ते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज होती है। तो एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, ये बात सही है। अभी हमें इनकरेक्ट बताना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वैलेंसी जो है फिर घटने लगती है, फिर जो है फिर 3-1 फिर हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है। इस तरह से वैलेंसी जो है बढ़ती घटती है। तो यहाँ पर हम जो है इसको जो है पूरी तरह सही नहीं कह सकते। शुरुआत में जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी बढ़ती है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई बिल्कुल और भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जो पूरी तरह गलत हो। एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, अगर हम जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनमें जो क्या होगा कि उनकी बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और उनका साइज भी बढ़ता जाएगा, तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ सकते हैं। तो ये बात जो है ये गलत है कि ये बात सही है, बताओ। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो भारी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी तो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर पे ज्यादा होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और पर उन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह जो है वो गलत है। तो हमें वही बताना है कि कौन सा जो है वो गलत है, सही नहीं है, ठीक है। एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इजी नहीं होता वो उनमें जो है, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट फिर इस हिसाब से हम उसको ठीक मान लेंगे। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, बताओ। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेटल के ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी नेचर बेसिक होती है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है। क्या होती है? एसिडिक होती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल जो नेचर है एलिमेंट्स की वो बढ़ती है। इसका मतलब जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते चले जाएंगे, दोनों बात ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। तो गलत कौन सा था? यही गलत था कि एटम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे लेफ्ट से राइट जाने पर, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जाता है, यानी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। तो ईजी नहीं होता ये, और डिफिकल्ट होता जाता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना एक एलिमेंट के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो द स्टडी अड्डा, ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, इसी नाम से जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।